अकबरिया का घर कहाँ है? किसका घर? लोग हक्के भक्के रह गए। शहंशाह का नाम ऐसे लेते हैं? बोले हाँ, हमारे घर खट्टी छाछ रूखी रोटी खार, मई प्राण बचाया था उसका। वो कुछ लिख गया इसमें देखो, तो बादशाह के ऊंच साई लोग डरे। आदमी तो विचित्र है, वो तना तनी करके साइड कर रहे थे, तब तक बादशाह का दृष्टि उस पर पड़ गया, समझ गए वही है ये। आदमी भेजा और उसको लाए और बगल में बैठाए हाथी पर। सारे लोग आश्चर्य करते, शहंशाह जापना महाराजा राजा धीराज सब कहने वाले तो चरणों में भी जगह नहीं पाते हैं, पर अकबरिया कहाँ है? वो बगल बैठा हुआ है, देख ले। बड़े उससे ले गए, क्योंकि ये लोग बड़े तभी होते, कुछ इनमें गुण होता है। छोटे क्यों दुख पाते हैं? इसी के कारण, क्योंकि इनके अंदर वो हुनर नहीं है, इसलिए दुखी हैं। जब आज लेकर के गए अपने निज कक्ष में और उसको बैठाया बड़े प्रेम से भाई, और फिर बोले थोड़ा सा रुको, टाइम हो गया है, तो वो अपना नमाज ठीक है। वो देखता रहा ये क्या उठा बैठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी हाथ ऐसे कभी ये ऐसे। थोड़ी देर के बाद बोले अब बताओ। बोले बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम कर क्या रहे थे। बोले खुदा से बंदगी करके मांग रहा था। क्या कर रहा था? उसने कहा लो मैं तो तुम्हारे पास आया था, तुम भी मांगता निकले, तुम्हें भी किसी ने दिया है? बोले हाँ खुदा का दिया है। बोले अब मैं तुमसे नहीं उनसे मांगूंगा डायरेक्ट, ठीक है? जो तुम्हें देता है मैं उससे मांगूंगा, तुम भी मांगता निकले, मैं तो इसलिए आया था तुमसे कुछ मांगूंगा और तुम भी मांगता। तो भैया बात इतनी है, कोई मंदिर के अंदर मांग रहा है और कोई मंदिर के बाहर लाइन में मांग रहा है। ये इकट्ठा भिखारी ही है, वो VIP है जो अंदर मांग रहे हैं, ये जनरल है, बस इतने, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन परमात्मा हमें मांगने के लायक नहीं बनाया, ये सृष्टि मनुष्य के लिए बनाई और मनुष्य को अपने लिए बनाई, और वो हम लोग हैं। आज अगर मन में विचार कर लें कि मैं मांगूंगा नहीं जीवन में किसी से, क्या नहीं करूंगा? आप देखो तो सही, हमारे संतों की वाणियों में आया है, पले गांठ बांधे नहीं मांगन में सकुचाए। ध्यान देना, पले गांठ बांधे नहीं मांगन में सकुचाए, उनके पीछे हर फिरे भूखा न रह जाए। वो व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम लोग जब नहीं छोड़ते तब भी होता तो है। मैं तो कहूं इतनी लंबी जीवन में मांग मांग के देख लिया, अब जितना बचा है ना मांग के जी के देखो। अनुभव तो करना चाहिए ना, मनुष्य जन्म मिला है तो कम से कम थोड़ी देर ट्रायल करके ही देखो। संत लोग भिक्षा लेने गए और पूरे गांव में भिक्षा के लिए फिर भिक्षा नहीं मिली, तो जब बाहर आए तो आपस में संत लोग बात किए, आज क्या बात है हम लोगों को भिक्षा एक को भी नहीं मिली। तो आपस में विचार किया, किसी के पास कुछ पहले से रखा है क्या? एक ने कहा हाँ मेरे पास तो रखा है। कितना? बोले चारों धाप सके इतना। बोले अब काहे का मिलना है भाई, जब पहले से ही भगवान रख रखे हैं तो इसको पहले खत्म करो, हम भूखे हो और भिक्षा न मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। और वही कई बार तो मैं दौरे पर देखा हुआ, हम भिक्षा लेने जाते तो जगह जगह जाते तो किसी किसी दिन इतनी भिक्षा मिलती कि हम मना करते तभी लोग देते, महाराज ले लो महाराज महाराज ले लो, ऐसा करके बहुत सारा हो जाता। तो हम सोचते अब क्या करेंगे, लेकिन जब वहां जब पहुंचते तो कोई ना कोई संत आए हुए हैं, इसलिए बचती नहीं वो भिक्षा। ये मेरा कई बार देखा हुआ है। कई बार क्या होता कि जाते तो पूरी की पूरी गली नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती महाराज? सुआ हो गया, सूतक हो गया। अब बड़ा परिवार होता तो कभी कभी तो पूरे खाली यूं आते, थोड़ा सा कहीं मिलती, और उस दिन एक्स्ट्रा भी जाते भाई कि आज नहीं इधर नहीं तो उधर भी नहीं मिलती। तो मन में आता आज क्यों नहीं मिल रही है, तो जब धोरे पहुंचते तो देखता कोई पहले से बना के ले आया है,
ये कई बार मैंने देखा हुआ है, कई बार की, क्योंकि ये भिक्षा की झोली प्रभु आश्रित है, इसमें मेरे हाथ की बात नहीं है। और इस झोली का अन्न जो खाते हैं वो व्रत के समान माना गया है, उपवास होता है, इतना शुद्ध है ये, क्योंकि इसमें अपनी इच्छा कुछ नहीं है। जो है सब ठाकुर जी की तरह झोली लेकर के जब जिसके द्वार पर वो पहुंचा है तो भिक्षुक नहीं होता है, वो शिव का स्वरूप होता है। और जो भिक्षा देने आती है वो अन्नपूर्णा का रूप धारण करती है। ये मामूली नहीं है, ये शिव की झोली है। और इसका अनुभव मैंने मुरली मनोहर धोरे पर देखा, कभी कम नहीं। कई लोग देते देते जैसे नहीं देते तो हम लोग कहते आज इनके सूतक लग गया होगा भाव में, क्या लग गया होगा। अब हम तो ऐसे मान लेते नहीं चलते, तो तरह तरह की कैसा एक अनुभव। अर्थात जब भी जीवन को जियोगे ना तो कुछ अलग जियोगे, तभी तो पता लगेगा। भेड़ चाल में तो क्या लगना है, किनारे क्या था, मुख लगाए एक दूसरे में चले जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे किसी तरफ को। एक कुएं में गिरा तो सारी की सारी गिर गई उसी में, यही दशा हमारी है। ऐसे हम लोग थोड़ा सा देखें, एक एक कथा में एक एक नियम भी अगर हम लोग लेवे ना, और नियम ना लिया जाए तो एक एक दुर्गुण छोड़ दे, बस दोनों में से एक कर ले। मेरे हिसाब से नियम लेने की अपेक्षा छोड़ने में ठीक रहेगा, लेकिन हम लोगों की आदत लेने की है, छोड़ने की है नहीं, छोड़ने की नहीं है। खाते 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 पेट जब खराब हो जाएगा तब भी हम वैद्य के पास जाके क्या बोलेंगे, वैद्य जी दे दो कुछ खा लूं। तो ये हमारी आदत है, इसलिए बढ़िया ऐसे प्रेम से जीवन जीवें, एक एक नियम ले। अब मेरे तो सबसे बढ़िया नियम यही लग रहा है कि मन में एक संकल्प करो कि आज के बाद हम मांगेंगे नहीं किसी को, क्या स्थिति आएगी देखते हैं। सबसे लास्ट तो मेरे को पता है क्या हो सकता है, बीच वाला तो हमें नहीं पता, वो भगवान को पता है। लास्ट वाला पूछो तो मेरे को पता है, ज्यादा ज्यादा मर जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होना है कुछ है कि नहीं। आप बता, जानते आप भी हो, याद नहीं थी भाई, इससे आगे तो कुछ हो नहीं सके, हो सके क्यों, और वो होना है, मांगेंगे तो भी नहीं मरेंगे, क्या मांगेंगे तो। जो चीज हो नहीं है वो बढ़िया मेरे हिसाब से तय करना चाहिए। बहुत सुंदर जीवन है। आज हमारे प्रभु को देखो, सुंदर जंगल में थे, कभी नहीं लिखा है कि कहीं भगवान मांगे, इनके पास लोग खूब मांगने आए और सबको दिया लेकिन मांगे नहीं, तो कितना लोगों की करुणा कृपा भरे। कोई कहते मेरे यहाँ रहो, कोई कहते मेरे यहाँ रहो, कोई कहते मेरे यहाँ, ऐसे हमारे प्रभु अगस्त जी के वहां पहुंच गए। और आज जब सत्संग होना शुरू हुआ तो सारे ऋषि मुनि लोग चारों तरफ से बैठे, अभी तो एक ही तरफ है ना, वहां चारों तरफ से बैठे। क्यों बैठे, क्योंकि हमारे भगवान की ऐसी महिमा प्रकट हुई कि किसी को ये नहीं लग रहा है कि मैं पीठ की तरफ हूं, सन्मुख सबकी ओर, सबको यही लग रहा है कि भगवान मेरे को ही देख रहे हैं, मेरी तरफ है, क्योंकि वो भगवान थे। समझ में आया ना, बैठ करके सुनने में जो सामने एक प्रभाव पड़ता है वो अगल बगल नहीं पड़ता है। अब कई लोग कहते तो हैं महाराज मैं घणी टेलीविजन में कथा सुनूं, लेकिन हमारे तो आश्चर्य था, इतनी एकाग्रता होती होगी क्या। आज इसी पंडाल में भी अगर पीछे बैठे हो तब भी इतनी एकाग्रता नहीं होती जितनी आगे होती है, ऐसा है कि नहीं आप बताओ। तो जो सामने रहते और वहां हमारे प्रभु के लिए बताया है सन्मुख सबकी ओर, सबको यही लग रहा है कि भगवान मेरे को ही देख करके बातचीत कर रहे हैं, चारों तरफ मुख हो गया भगवान का। और भगवान गीता जी में पहले बता दिया है सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्ष शिरोर्मुखा, सभी तरफ हमारे हाथ है, सभी तरफ हमारे मुख है, सभी तरफ हमारी आंख है, सभी तरफ हमारे कान है। तभी लोगों ने अनुभव करके लिखा कि चींटी के पग घूंघुर बाजे, वो भी मेरे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कितनी तो बड़ी चींटी और कितना मोटा मोटा उसका पैर, और उसमें भी घुंघरू कितने बड़े बड़े लगे थे होंगे, और उस घुंघरू में पोलापन कितना बड़ा होता होगा, और फिर उसके अंदर वो छर्रे डालते होंगे वो कितना बड़ा होता होगा, और जब आपस में टकराते होंगे कितना भयानक शब्द होता होगा ना। लेकिन नहीं, हमारे प्रभु सुन क्यों लेते हैं ये बताऊं,
वो चींटी भी अगर कान में चले तो देखो कितना बड़ा साउंड सुनाई देगा, सुनाई देगा कि नहीं देगा, देखो आपको लगेगा बहुत साउंड बज रहा है, खड़खड़ चल को नहीं। जब हमारे प्रभु का कान ही सब जगह है तो कान में तो हमारे भी ये चींटी चली जावे तो सुनाई देगी, होगा कि नहीं होगा। हमारे प्रभु की ये सर्वज्ञता का बड़ा सुंदर पहचान है कि वो इसलिए सुन लेता है सब जगह है। ऐसे परमात्मा आज बड़ी सुंदरता पूर्वक सत्संग कराया, ऋषि से पूछा, हमारे प्रभु में सबसे सुंदर गुण ये है, ये भी जीवन में होना चाहिए। हम फिर आपसे कहते हैं जिस किसी से प्रेम करना हो सहज तरीका है उसके अनुकूल हो जाओ, और कोई उपाय अभी तक प्रेम प्राप्ति का दिखा नहीं है। अगर भगवान से प्रेम करना है तो कुछ भगवान जैसा हो जाओ, हम तो हूबहू नहीं हो सकते लेकिन वो हो जाएंगे, वो कर देंगे। तो हमारे प्रभु को सबसे सुंदर बात ये कि ये लगती है कि वो जब निर्णय लेते हैं तो अपनी तरफ से नहीं लेते हैं, वो जो बड़े होते हैं ना उनसे पूछ लेते हैं करना क्या है, और जो किसी से पूछ के काम करता है ना वो एकदम फ्री होता है। और चिंता किसको होती है, जिसे पूछा है उसको, वो उपाय सोचता है सदा ये सुंदरता पूर्वक। मैं तो कहूं ऐसा कोई भगवान किसी को देवे कि कोई बताने वाला अगर मिल जाए तो खुशी मनाओ खुशी, लेकिन आज दुख मनाते हैं कि देखो बार बार टोक देवे। ये बहुत सुंदर काम है। हमारे प्रभु जब अयोध्या में रहते थे तब माता पिता से आयुष मांग कर ही सब का जा, जब यहां से चले पहुंचे प्रयागराज तो ऋषि जी से पूछा हम जावे किधर, रास्ता बताओ। क्या राम जी को रास्ता नहीं पता था, लेकिन पूछ के काम करने की आदत है। वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तो उनसे पूछ ले मैं रहूं कहां, और अगस्त जी के पास में पहुंचे बोले लड़ूं कहां से शुरू करूं, ये बताओ उद्धार करना है। क्योंकि आज हमारे प्रभु ने एक प्रतिज्ञा किया है, निश्चर हीन करहूं मही भुज उठाए प्रण की। जब ऋषियों का ऐसी हालत देखी हमारे प्रभु से रहा नहीं गया, प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं इस पृथ्वी से निशाचरों को खाली कर दूंगा। बड़ा सुंदर सुंदर चरित्र आता है, समझने के लायक है। गीता जी के 14वें अध्याय में शायद भगवान ने यह बात कही कि अहम बीजम प्रजा पिता, मैं ही सभी का बीज हूं, सबका पिता हूं। तो उसमें ऐसा थोड़ी कहा होगा कि राक्षस को छोड़ के बाकी सबका बाप मैं हूं, ऐसा तो नहीं कहा होगा ना। तो ये जो राक्षस लोग हैं ये भी भगवान के ही संतान है। वो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चर हीन करहूं मही भुज उठाए प्रण की। अच्छा बताओ निशाचरों से खाली हुआ, राम जी भी आए ना और प्रतिज्ञा करके बसा, एक टाइम खाली हो गया और उसके बाद फिर उग गया। कैसे उग गया, जैसे ये जो किसान लोग होते हैं ना, किसान ये अपने खेत में जब निदान करने जाते हैं तो यही संकल्प करके जाते हैं खर पतवार सब निकाल दूंगा, होता है कि नहीं, खर पतवार में सब निकाल दूंगा। और अपने जान से छोड़ते भी नहीं है, लेकिन वही ना 15 दिन के बाद में क्या खेत में घास फूस नहीं होता है क्या भाई, ऐसे हो जाता है। ये सृष्टि भगवान की अमर है, अविनाशी की है, इसलिए कुछ रह जाता है कुछ निकल। तब क्या होता है, फसल की मात्रा ज्यादा और घास की कम होती है तो घास की चलती नहीं है। और जिस खेत में जो फसल बोया है वो तो हो कम और घास हो ज्यादा तो फिर फसल की नहीं चलती, वो दब जाते हैं। यही पूरे सृष्टि का क्रम है। जब दैवी गुण ज्यादा बढ़ जाता है तो आसुरी छुपा हुआ रहता है, और जब आसुरी प्रकट हो जाता है तो फिर दैवी गुण छुप जाता है। नाश ना तो आसुरी संपदा का है और ना ही दैवी संपदा का है, क्योंकि ये दोनों ये एदम धारयते जगत, ये सब हमारी ही सृष्टि है। ऐसा सुंदर ठाकुर जी ने खेल कर रखा है। आज ऋषियों से पूछा कि मैं कहां से ये काम शुरू करूं, तो बोले महाराज पंचवटी एक जगह है, वो जगह ठीक है। क्यों वो जगह ठीक है, क्योंकि वहां इन राक्षसों का गढ़ है। तो पंचवटी तो बहुत पावन जगह है, गढ़ कैसे हुआ, तो यहां ईर्ष्या नामक दोष के कारण से ऐसा हुआ। ईर्ष्या जानते हैं कैसे होता है, वही कौन सा, देख छोरा लाइट पूरे गांव की गई है क्या,
बस ये ईर्ष्या आया, समझ में आ गया ना? अगर ऐसा सुकून मिलता है तो ये ईर्ष्या है। क्या है ये ईर्ष्या? लोग आजकल मैंने देखा पीछे लिखवा के भी चलते हैं, लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। इनका नाम है ईर्ष्या। अगर ऐसा हमारे अंदर आता है कि वो मेरे से ज्यादा धनी है और फिर दुखी है, तो ये ईर्ष्या है। ये दुख बहुत भयंकर होता है। आज इसी के कारण से ये पंचवटी स्थापित हुई है। यहां महाराज गौतम रहते थे। कौन रहते? गौतम ऋषि। बड़े महान तपस्वी हैं ये गौतम जी। जिस समय भागीरथ ने गंगा जी का आवाहन करके भगवान शिव के जटा तक ले आए, अब जटा में गंगा उलझी, फिर भागीरथ जी ने तपस्या किया और जब भगवान प्रसन्न हुए, वो धार दे रहे थे, उसी समय गौतम जी वहां पहुंच गए। हे भोलेनाथ, एक धार हमें भी दे दो। तो जो धार भागीरथ को मिली उसका नाम भागीरथी हुई, और जो गौतम जी को मिली उसका नाम गोदावरी हुआ। क्या हुआ? भागीरथ के कारण भागीरथी गंगा कहलाई और गौतम जी के कारण से गोदावरी। अब जब गोदावरी गौतम जी लेकर के आए तो उस क्षेत्र में महिमा बढ़ी गौतम जी की, और जो साधु संत साथ रहते थे ऋषि मुनि लोग, इनमें ईर्ष्या हो गई कि हम भी तो तपस्या करते हैं, मेरा तो कोई नाम होता नहीं है, जहां कहीं देखो वहीं बस गौतम गौतम। ये साधु संतों में भी अगर भजन साधन बढ़ा ना हो तो ये हो जाता है। मेरा मेरे यहां और इनका नाम, अब पीछे पड़ेंगे, हटाओ यहां से। आज यही स्थिति यहां है। सब लोगों ने मिलकर के कहा कि देखो इस पंचवटी पर रह करके हम सब लोग भजन करते हैं, हम सब त्याग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? गौतम का। तो क्या किया जाए? बोले कुछ ऐसा करो कि ये यहां से छोड़ दे, इसके रहते रहते अपना नाम तो यहां होना नहीं है, इनका ही वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा कोई योजना बनाओ कि ये जगह छोड़ दे। सब लोगों ने मिलकर के, उसमें तरह तरह की साधना होती है। एक ऋषि ने कुछ योजना बनाई। सुबह का समय था, गौतम जी अपने कुटिया के बाहर भगवान की एक वाटिका लगा रखे थे जिसमें पुष्प खिलते थे ठाकुर सेवा के लिए। उसमें एक गाय प्रवेश कर गई और ये वहां से आए और उसको जोर से डांटे कि गाय भाग जाए, छुए भी नहीं थे, और जैसे जोर से हट हट करके डांटा, वो गिरी और मर गई। ऋषि लोग सब ताक में ही थे कि इनसे कोई भूल हो और हम पीछे पड़े। सब इकट्ठा होकर के बोले ये गौतम गौ हत्यारा है। कौन है? तुमने देखा? बोले हाँ, मैं तो बाहर निकला ही था तब तक इन्होंने मार दिया गाय को। गौतम जी कह रहे मैंने छुआ तक नहीं है। बोले मरी तो तुम्हारे कारण है ना, डर गई मर गई, गौ हत्या तो तुम्हें से लगेगा। सारे लोग पहले से तो योजनाबद्ध थे कि कोई कमी देखें और पीछे पड़े और यहां से हटावे। बोले अब 12 वर्ष तक इस गाय की पूंछ को गले में डालो और पूरी विश्व में घूमो और सबको बोलो कि मैं गौ हत्या रहा, तब तुम्हारा गौ हत्या का पाप नष्ट होगा। क्योंकि कहोगे जगह जगह तो पाप नष्ट होगा और कहोगे जगह जगह तो पुण्य। प्रक्रिया स्कल आज वही है। सभी के कहने पर क्या करते भाई, गौतम जी को वो जगह छोड़नी पड़ी। 12 वर्ष के लिए निकले, लेकिन उनके मन में बार बार ये बात आ रही है कि मैंने छुआ तक नहीं है तो गाय मरी कैसे। इतने में एक वृक्ष के नीचे जब वो बैठ के विश्राम किए तो देखा गले पर पूंछ ही नहीं है। क्योंकि माया से कुछ भी किया जाता है इसकी एक सीमा है। ऐसे मान लो कोई किसी के ऊपर अगर कुछ कराया और वो जाकर के 400-500 कोस दूर चला जाए तो उसका असर नहीं करेगा, वो जगह चेंज हो गया, उसकी गति अलग होती है, अब उस पर लागू नहीं होगा। जैसे उसके सीमा से बाहर पहुंचे पूछ हो गई गायब। उन्होंने कहा कहीं गिरी नहीं तो गई कहां? अब उसको ढूंढने के लिए जब उन्होंने अपनी साधना का प्रयोग किया तो सब साफ साफ दिख गया, गाय थी नहीं तो पूछ कहां से आएगी। फिर अच्छा ये गाय क्या हुआ था,
तो उन्हीं ऋषियों में से कोई ऐसी माया विद्या जानता था कि माया से उसने गौ का निर्माण किया और ये बोले ने कि मोक्ष मार दिया, क्योंकि गाय असली थी नहीं। क्यों किया मेरे साथ में ऐसा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था। तब और पीछे देखा कि ये लोग मंडली में गोष्ठी भी कर रहे हैं, सब मिली भगत थी इनकी, क्या बात क्या चल रही है कि ये मेरे से जलन करते हैं, इनको यहां से निकालना है। जब ये बात गौतम जी ने सुना तो पूरे पंचवटी को श्राप दे दिया कि राक्षसी बुद्धि वालों तुम्हें राक्षस खा जाएंगे और ये भूमि राक्षस से भर जाएगी, पर उसका त्याग कर दिया। इसी के कारण है कि हे राम, वो जगह श्रापित है और जाकर के पहले जैसे आप पहुंचो और पावन करो उसको। हे राम, जहां ज्यादा मरीज हैं हॉस्पिटल वहीं ठीक चलेगा, जाओ वहीं उनके बीच में ही हॉस्पिटल खोलो, इलाज जल्दी मिलेंगे तुम्हें करने वाले। हमारे प्रभु गए लेकिन देखो तो वहां भी एक मित्र मिल गए, जिनका स्वभाव अच्छा होता है ना उनको मित्र ढूंढना नहीं पड़ता है। कौन मिले? जटायु। परिचय हुआ, वो उनके पिताजी के मित्र थे। सीता जी ससुर मानती है, पिता पिता मानती है। क्या मानती है? हमारे पिताजी हैं। बढ़िया सुंदर मित्रता, पंचवटी पर ठाकुर जी का निवास, और जैसे यहां निवास हुआ ये भूमि, लखनलाल डरने लग गए और आकर के राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, भेद बताओ, आप रीझते किससे हो, आपको ज्ञान अच्छा लगता है कि आपको भक्ति अच्छी लगती है, हमको तो वो बताओ जिससे आप जल्दी दीप जाते हो। राम जी ने बड़े आश्चर्य से लखन की तरफ देखा, लखन तुमको भी नहीं पता ये सब, क्या बात है? बोले, पता नहीं, जब से मैं यहां आया हूं मेरे मन तरह तरह के प्रश्न उठने लग गए हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये भूमि का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ये भूमि का प्रभाव है। इसीलिए मैं तो बार बार आप लोगों से कहता हूं, जहां बसना हो वहां पहले भूमि पर विचार कर लो, क्या बात है। नहीं तो भैया, सब कुछ होते होते मैंने देखा छोटा सा मकान है, 8-10 परिवार उसी में, सब गिनती में ज्यादा है, कमरे कम है, फिर भी प्रेम बहुत है उनमें, आमदनी भी खूब है, और पैसा हो गया इकट्ठा। अब विचार किया कहीं बड़ा घर बना लें, अब तक ठीक था, और जहां कहीं बड़ा घर बनाया वहां घर तो बड़ा हो गया लेकिन कलह बढ़ गई वहां, अब प्रेम नहीं है, कमाई नहीं है। कई बार ऐसा लोग आके बताते हैं मेरे को, क्या कारण है? तो भूमि देखा नहीं तुमने, तुम्हारे लायक नहीं थी। हर भूमि हर काम की नहीं है। हमारे ग्रंथों में बहुत ज्ञान भरा है, बहुत, लेकिन हम लोग ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है, टाइम कहाँ है? जवानी भर तो घर में धंधा करते रहे, एक श्वास लेने का टाइम मिला नहीं, और जब बूढ़े पड़े बच्चे संभाल लिए तब ताज खेलने से फुर्सत नहीं। सोचो तो सही, कितने जरूरी काम हमारे जीवन के। अरे थोड़ी सी समझ है भैया तो ज्ञान की आशा लेके मरो, जिसके कारण से भगवान तुम्हें दोबारा वृक्ष न बनावे, मनुष्य बना देवे। जैसे टाइम मिले उनको थोड़ा ज्ञान करो, भाई जवानी तो निकल गई, अब कम से कम थोड़ी सी समझ बची है, भगवान पागल नहीं किया वृद्धावस्था में, तो ऐसी जगह जाके माथा लगाओ, उनको देखो, उनको सुनो, उनको समझो कि जीवन क्या है, सब पता लगेगा। कैसे भूमि शोधन की जाती है, किस भूमि पर तुम्हें सबसे पहले दिखा क्या है, जाने के बाद उसका क्या फल है, सारे लिखे हुए हैं हमारे यहां। विष्णु पुराण में लिखा है इतनी सुंदर बातें, जिसके साथ आपको सत्संग में आने पर प्रेम मिलता है, ध्यान से सुनना, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जिसके साथ तुम हमेशा सत्संग में जाते हो तो बड़ा प्रेम बढ़ता है, ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ धंधा भी तुम्हारा ठीक चलेगा। ये बड़ा गहरी बात वहां लिखी हुई है, उसके लिए तुम्हें अलग मित्र देखना है। कई बार क्या होता है, ये सत्संगी लोग आपस में मिले और बोले क्या सुंदर सिखा है, सुंदर तिलक है, सत्संग में जाते हैं तो लाओ इनसे लेन देन भी कर ले, और जब लेन देन दिया तो पता लगा वो पैसे ही वापस नहीं दे रहे। अब वो कहते महाराज जी, मैंने तो सत्संगी समझ के किया था ये व्यवहार। तो भाई सत्संगी समझ के सत्संग करना चाहिए, व्यापारी समझ के व्यापार करना चाहिए, वो तुम भूल गए।
ये बातें होती है जीवन में, सुना है कि नहीं सुना है? तो ये विष्णु पुराण में लिखी हुई बात है कि ये धोखा मत खाना कि यहाँ से हरिद्वार जाते समय जिससे बड़ा निभा है तो उसके साथ धंधा भी निभेगा, वो जरूरी नहीं है। धंधा के लिए व्यक्ति की अलग खोज होती है और उसमें शोधन करने की विधि लिखे किसके साथ, किस विधि से हम जाने किनके साथ क्या क्या निभ सकता है। आप पढ़ते ही नहीं, ऐसा सुंदर हमारा ज्ञान हो, जिस चीज को पढ़ने का अधिकार हमें ना प्राप्त हो उसको किसी से पढ़ के सुनवा लो हो बहु, लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ है। घर में होएंगे तो सीरियल देखेंगे, कभी सास कभी बहू, कहानी हर घर की, और उसको सीख सीख करके कोर्ट कचहरी जाएंगे। मैं तो कहूँ पुरुष लोग भी ध्यान देते नहीं है, मेहनत की कमाई उनको लड़ाई झगड़ा दिखा के सिखाऊं बोलो तो ये सब नहीं, तलाक जैसी चीजें, कैसी लड़ाई झगड़ा की विधियां बताई जा रही हैं। माताएं तो बढ़िया वहां व्यस्त रहें, और पुरुष लोग अगर जीवन में कभी बुढ़ापे पर भगवान स्वस्थ शरीर छोड़ दे में तो ताश खेलने जगह जगह एक ही बात। तो इसलिए आप लोगों से विनती है थोड़ा इन चीजों को पढ़ो। आज हमारे प्रभु कहते हैं लखन चिंता मत करो, मैं तुम्हें संक्षिप्त में सुनाऊंगा, थोड़े में महाराज सुना दो, कैसे भी कर दो, मेरे मन में हलचल है क्योंकि ये वो भूमि है जहां पर सती को यही भ्रम हुआ था, ये वही भूमि है, सती शरीर रहो गौरानी वही जगह है, ये शंकर जी बोल रहे हैं। अरण्य कांड चालू होते ही सीधा सूचना दिया है भवानी, ये वो भूमि है जहां से तुम्हारी कहानी शुरू हुई है, सावधान। हे लखन, माया कोई बहुत बड़ी नहीं है, थोड़े उमा सब कहो बखानी, मैं थोड़ा से कहता हूं कितना, मैं अरु मोर तोरते माया, माया कितनी है, ये मैं हूं ये मेरा और ये तू है ये तेरा, दो ग्रुप बन गए, अब लड़ो जीवन भर। लड़ाई के लिए कम से कम दो तो चाहिए चाहिए ना, और खेल के लिए भी दो चाहिए, तो भगवान ने दो दिया हो तो खेल बढ़िया आनंद लेना चाहिए कि लड़ाई करके रोना चाहिए, निर्णय तुम्हें करना है। क्या बढ़िया सुंदर बात है, मैं और मोर तोड़ते माया जही बस कीन्हे जीव निकाया, बस इसी के बस सारा संसार है। माया असर कैसे डालती है, तो एक बाबा जी थे किसी गृहस्थ के घर गए, उसने महाराज के पास देखा सामान कम है तो एक कंबल दे दिया, महाराज इसको काम में लेते रहो। अब बाबा जी उस कंबल को 24 घंटा काम ले में। लेटे तो बिछाले में, बैठे तो आसन बना ले में, आसन करे तो आसन पट्टिका बना ले में, नहीं हो तो सराहने, मतलब उसको हर दिन सुबह से शाम तक वो कंबल बाबा जी बढ़िया काम लेते। गृहस्थ तो देख देख करके खुश होते, वाह मेरा काम आ रहा है, देखो मेरा काम आ रहा है, इसी में तो खुशी है। तीन चार दिन जब उसने देखा कि महाराज को सच्ची में ये कंबल की आवश्यकता है, इनके बहुत काम आएगी, तो उसके मन में आया कि ये कंबल मैं पूरा महाराज को दे दूं, ठीक है। उसने जाके कहा, महाराज मेरे आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरा दिया हुआ कंबल आप बढ़िया से काम लेते हैं और आपको आवश्यकता है, मेरी इच्छा है ये सदा के लिए आप ले लो। दूसरे दिन वो कंबल बढ़िया से तय लगाया, सराने पहुंच गया। अब वो गृहस्थ देखे कि महाराज कभी बिछाई नहीं रहे, अब नहीं बिछा रहे, अब बिल्कुल एकदम, कारण जानते हो मेरा है, समझ में, बस और कुछ नहीं, कंबल वही है, जब तक मेरापन नहीं था तब तक खूब काम आ रहा था वो, और जैसे लगा उसमें मेरापन अब काम नहीं, अब उसकी रुखाली चालू है, ठीक है, कहीं गंदा ना हो जाए, कहीं फट नहीं जावे, कहीं कोई ले नहीं जावे। तो एक बात बताओ, वस्तु का सुख तुम्हें अपना मानने पर ज्यादा मिलता है या ना मानने पर, देख ले। जो जो लोगों ने ये शरीर अपना मान लिया वो केवल दुरुपयोग करते हैं, सेवा नहीं करेंगे, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और ये शरीर अपना नहीं, या तो माँ का दिया हुआ है, संसार का है, या हमारे प्रभु का है, ऐसा मान के करो। हे लखन, मैं मेरी छोड़ दो, सारे दुख में मैं मेरा ही है, बाकी कुछ नहीं है। बढ़िया प्रेम से सुबह का समय है, टेलीविजन ऑन किया, हाथ में चाय है, पेपर पढ़ रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और समाचार देख रहे हैं। अब उसी में समाचार आया कि ट्रेन उलट गई, इतने लोग मारे गए, तो
घर वाली को बुलाते हैं, इधर आ देख देख।